तो आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, तो इसके लिए आपको वीडियो में पूरा बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और अगर आपको पीएफ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत कम कंसल्टिंग चार्जेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम रिजेक्शन के बारे में, कि आखिर ये क्यों रिजेक्ट होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे एक एक करके। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और पीएफ कंसल्टेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं लॉगिन किया हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन सर्विस में गया हूँ, और तीसरा ऑप्शन है ट्रैक क्लेम स्टेटस। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं आपके ट्रांसफ़र क्लेम का स्टेटस। अब थोड़ा सा हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा तो हमें यहाँ पे दिखेगा ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस। अब इसमें बहुत सारे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इनिशिएट की गई है, उसमें से हमें देखना है कि कौन से रिजेक्ट हुए। तो जो है रिजेक्ट हुई है सिर्फ एक ही हुई है, इस ई मेम्बर आई डी से इस मेम्बर आई डी में ट्रांसफ़र करते हुए रिजेक्ट हुआ है। तो चलिए हमें समझना है कि रीज़न क्या है। यहाँ पर तो रीज़न लिखा नहीं है। अगर आपको रीज़न समझना है तो ई पी एफ ओ पासबुक की वेबसाइट में आना है। और आपने जैसे देखा था उस मेंबर आईडी में, इस मेंबर आईडी में रिजेक्शन हुआ था क्योंकि आप ट्रांसफ़र आउट इससे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीज़न यही था कि ड्यू टू टेक्निकल क्लेम कैन नॉट बी प्रोसेस, प्लीज़ री सबमिट दिस क्लेम ओके विथ करेक्ट एंड प्रॉपर डिटेल्स। मतलब यही है कि सिंपल है, वापस से करने बोल रहे हैं, लेकिन कुछ उनका टेक्निकल एरर था जिस वजह से, मतलब पीएफ ऑफिस में भी ऐसा नहीं कि टेक्निकल एरर उनको भी फेस होता है, तो जिस वजह से शायद वो उस वक्त पे ट्रांसफ़र क्लेम का उनको शो नहीं कर रहा होगा, तो इस वजह से रिजेक्ट कर दिए। बट हम देखते हैं कुछ और भी रीजंस। ओके, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि फॉर्म 10C है ओके, और फॉर्म 1013 है जो कि क्लेम ऑलरेडी सेटल था, उसमें कोई बैलेंस नहीं था, कि मतलब उस मेंबर आईडी में बैलेंस होना चाहिए, नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड है, फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेट ऑफ जॉइनिंग आफ्टर। हाँ, इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही आप समझ लीजिए कि क्रिटिकल केस है लेकिन आसान भी है ओके। इसके लिए अगर आपको इशू आ रहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए वही है जो मैं आपको दिखाया मैंने, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र रिजेक्ट हुआ है। कहीं नहीं, आज पीएफ ऑफिस जो भी है ईपीएस एनेक्सर के देना, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाए हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि लास्ट मंथ कॉन्ट्रीब्यूशन एनसीपीडीज इज़ नॉट रिसीव। देखिए क्या हो जाएगा, आपका एनसीपीडीज के लिए एक वीडियो आने वाली है, तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। ये भी सेम एरर, जानना सॉल्यूशन कॉन्टैक्ट अस। ये भी है मेंबर जॉइनिंग सेम है, और ये भी है कि मतलब ये तो अलग एरर है ओके। जो कि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, एक वीडियो सुन आने वाली है जिसमें हम बताएंगे कि ट्रांसफ़र रिलेटेड हमें कितने कितने सारी प्रॉब्लम हमें दिखती है, उस वीडियो में हम कवर करेंगे ज़रूर आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें हम कवर किए, बहुत सी चीज़ों के लिए टाइम लगता है ओके। तो आने वाली वीडियो सुन, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके।